डियर प्रिया, ये मैं हूँ और ये है वो बाल्टी जो 2 महीने पहले दिल्ली में अपने दोस्तों को छोड़ते वक्त मैंने रो रो कर भरनी शुरू की थी। देखो अब तो ये पूरी भर गई है। ये पापा को भी ना इंडियन एम्बेसी के साथ काम क्यों करना था, हर साल भेज देते हैं एक एम्बेसी से दूसरी एम्बेसी तक, अब यहाँ भेज दिया है रशिया। सुबह सुबह इतनी ठंड रहती है कि मेरे दांत एक दूसरे के साथ कुश्ती लड़ते रहते हैं। इंडिया में तो घर से स्कूल जाते जाते क्या क्या खाते थे ना हम, कंदूलाल की कचोरियाँ, करीम लाला का फालूदा, या रशिया में ना मिल्कशेक है लेकिन फालूदा नहीं, रोसो है पर कचोरियाँ नहीं। और प्रिया, इस शहर में ऐसा लगता है कि कोई घर ही ना हो, और यहाँ की बिल्डिंग्स कम और पैलेसेस ज्यादा लगती हैं। बट लुकिंग एट द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ, अब यहाँ आ ही गए हैं तो ऐसा लगता है कोई डिज्नी मैजिकल एडवेंचर सिटी हो। यहाँ रास्ते में एक जंगल है और जंगल में एक छोटा सा तालाब है। लकी दी रोज सुबह वहाँ तैरते बतखों को ब्रेड खिलाती है। तुझे याद है ना लकी दी कैसे इंडिया में सिर्फ अपने क्या कहते हैं, ख्यालों, कविताओं और किताबों में खोई रहती थी। यहाँ आकर तो हाल और भी बुरा हो गया है, अब तो भजन भी गाने लग गई हैं। मेरी लकी दी मीरा इन रशिया। मिल गया। क्या मिल गया? लकी। अरे बाबा, लकी तो आप हो, फिर ये लकी कैसे हो गया? नहीं, ये फोर लीफ क्लोवर है, कहते हैं कि ये गुड लक लाता है। यानी कि अगर मैं इसे लेकर एग्जाम लिखने जाऊँ तो मैं पास हो जाऊंगी? हाँ, लेकिन इसका लक तुम सिर्फ एक ही बार यूज कर सकती हो। अगर मुझे भी ऐसा एक मिल गया तो इस बार एग्जाम में पास होकर पापा को जरा सा शौक दे दूंगी। तू यही ले ले। रियली? हाँ, आपसे ज्यादा तो मुझे इसकी जरूरत है। आप तो हर साल पास होती हो। थैंक यू लकी दी। ओके ओके, अब चले। व्हाई डू वी हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे? प्रिया, लकी दी की क्लास में 3-3 इंडियन लड़कियां हैं, लेकिन मेरी क्लास में सब फिरंगी हैं। मैंने अभी तक एक दोस्त भी नहीं बनाया। हर रोज अपने इंडिया की याद आती है। रियली आई मिस इंडिया सो मच। द Volkswagen VW Passat PD 4 Motion has a potent TDI PD 130 engine. The Ferrari Enzo is a successor to the F40. F50 does 0.60 in 2.6 seconds, which makes it the fastest car in the world. Sunena, you're the best. Thank you, darling. Sunena, how do I look? Like shit. Sunena, कल स्कूल में टेस्ट है और उसकी पढ़ाई छोड़कर तुम दोनों ये क्या पढ़ रहे हो? तुम स्कूल टेस्ट के लिए पढ़ना और मैं खूल टेस्ट के लिए पढ़ूंगी। जब वो आएगा उसे लगना तो चाहिए कि हम दोनों के ख्याल कितने मिलते हैं। ओए, कौन आ रहा है? Girls, just guess. No ways. Uh-huh. Don't tell me he's coming. क्या ये सपना तो नहीं? Should I pinch you? 3 साल के बाद मैं दोबारा उसे मिलूंगी। पिछली बार जब वो आया था तो उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा भी नहीं, क्योंकि मेरी स्माइल और उसके बीच कंधे ब्रेसेस जो थे। लेकिन अब स्मैशिंग 17। तब मैं थोड़ी मोटी भी थी, लेकिन अब वो इस
बार वो पलटेगा भी, देखेगा भी और देखता रह जाएगा अपनी नई गर्लफ्रेंड को। लेकिन ये है कौन? रात को जब सब सो जाएंगे तो मैं चुपके से तैयार होकर उसे मिलने जाऊंगी। वो मेरा इंतजार कर रहा होगा, वो मेरे करीब बढ़ेगा। खुद को उसकी आंखों में खोते हुए देखकर मैं जरा सा घबराऊंगी। फिर वो मेरा हाथ पकड़कर कहेगा, पास आओ ना, और मैं पास जाऊंगी। तब कोई आवाज सुनकर मैं डर के मारे से लिपट जाऊंगी। कहीं किसी ने हमें देख तो नहीं लिया? फिर वो अपने होठों को मेरे होठों के करीब लाकर कहेगा कि मैं अब किस जानू। और फिर तुम बोलो, तुम क्या करती? मैं क्या बोलू, मुझे पता भी नहीं कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। ए, मुझे पता है, बोल क्या कहेगी। क्यों पद्मा? हाँ, ये कहती, चांद हमारे इतना करीब लगता है ना, तुम्हें पता है चांद धरती से 384,404 किलोमीटर दूर है। मैंने स्कूल में पढ़ा था। अच्छा, मैं कुछ और कहती।
आ कौन रहा है? आदि। आदि? कौन आदि? अम्बेसडर सेखरी का बेटा। ओ लकी, ही सो डैशिंग, सो चार्मिंग, सो मैनली। अगर वो इतना ही मैनली और डैशिंग है तो थोड़ी सी कोई स्कूल गर्ल में दिलचस्पी होगी। प्लीज, यू आर जस्ट जेलस। ओके, जब वो आएगा तब देखना कैसे मुझ पर लट्टू हो जाएगा। गर्ल्स, सुनैना, यू वोंट बिलीव मैंने कैसी गड़बड़ कर दी है। अब क्या? कल ज्योग्राफी का एग्जाम है ना, लेकिन मैंने टाइम टेबल गलत पढ़ के हिस्ट्री की तैयारी कर दी। मुझे सारा सिलेबस भी पढ़ना है। ओके, मैं रखती हूँ, बाय। लकी, कल सुनैना के यहाँ जगराता है ना? मैं नहीं चाहती कि एक अकेली तू ही ऐसी लड़की हो जो लड़की कम और भूतनी ज्यादा लगे। पता है, जितने भी इंडियंस हैं ना, सब आएंगे वहां पर। अच्छा सुन, मैंने तेरा बैग पैक कर दिया। हाँ, तेरी नाइटी, टूथब्रश, सब कुछ इसमें डाल दिया। माँ, माँ प्लीज, माँ पढ़ाई करने दो। अच्छा, ये धारा का है? बाथरूम में। पता नहीं इस लड़की का क्या करूं। अगर इस बार भी फेल हो गई ना, तेरे पापा बहुत नाराज होंगे। वैसे भी आजकल ये इतने परेशान रहते हैं। क्यों, क्या हुआ पापा को? कुछ नहीं, कह रहे थे कुछ कॉन्वेंट प्रॉब्लम है। आजकल लोगों ने सड़कों पर निकलकर दंगे करना शुरू कर दिए। खैर, हमें से क्या। ये ले, तेरा बैग पैक हो गया। अरे धारा, जल्दी निकलो भाई। लकी, थोड़ी देर सो जा बच्चे, कल सुबह उठकर पढ़ाई कर लेना। मॉम, सो जा बेटा, तबीयत खराब हो जाएगी। अलार्म क्यों नहीं बजा? धारा, उठो। सोने दो ना लकी दी, सिर्फ दो ही तो बजे हैं। दो नहीं, 7 बजे, उठो जल्दी। 7 बज गए तो अभी उठकर क्या फायदा, वैसे भी एग्जाम में 12 बजने वाले हैं। धारा उठो। धारा उठो, डफो, चलो। स्टॉप इट यादी। रशियन पुस्तिन उल्ट्रा वेजिटेबल ऑयल शुगर एंड टी फ्रॉम सामन इंडिया। फ्रॉम सामन इंडिया? रशियन पुस्तिन उल्ट्रा वेजिटेबल ऑयल शुगर एंड टी फ्रॉम असम इन इंडिया। बाय धारा। पापा का फोन है। नो नो, आई लव यू पापा। गुड मॉर्निंग बेटा, फर्स्ट आने के लिए तैयार हो? पापा, क्या क्या हुआ? मिस्टर नेगी, एक मिनट बेटा। यस सर। मेरा बेटा आदित्य आज पेरिस से यहाँ आ रहा है। जी, उसकी गाड़ी का नंबर है TM2013। जी, प्लीज सी दैट सिक्योरिटी उसे अंदर आने दें। जी, मैं मीटिंग में बिजी रहूंगा इसलिए उसे खुद रिसीव नहीं कर पाऊंगा। सर, वो फ्लाइट से नहीं आ रहा। वो अपने बाप से दूर जा सकता है लेकिन गाड़ी से नहीं। जहां भी जाता है अपनी गाड़ी के साथ जाता है। जी, he's driving down. Okay, sir. हाँ बेटा। Yes, papa. Best of luck, बेटा। I'm sure इस दफा भी तो फर्स्ट आओगी। अच्छा। Please help me, please God.
कुछ ऐसा चमत्कार करो कि एग्जाम्स ही ना हो। मुझे पता है कि तुम फर्स्ट आओगी बेटे। फर्स्ट ये पापा भी ना, मैं भी तो इंसान हूँ, एक बार फेल हो गई तो क्या हुआ। ने तोड़ लिया रशिया जबरदस्त क्लोज एक्टिंग करने से जो सीखा सब भूल रही हो लक्की। ओह गॉड, बंजर भी अभी होना था, अब स्कूल में पढ़ भी नहीं पाऊंगी। Russian or very excellent? No Russian. English. Flat tire. Help? No, it's okay. No. Wait. No school today? Fix it. No. Ну вот, настав минут тест. My cycle. Rest? Хм. Класс каптен. Коча! Стой! Я даю ей! Я даю ей! Пока ничего не обнаружено. Мучит всех. Паспорт откройте.
Ну, вы понимаете, что, может быть, вы можете сделать исключение. Пожалуйста. Порядок, соблюдайте порядок, пожалуйста. Я понимаю, у вас порядок, а у нас ребенок. Вы понимаете, он устал, вы понимаете. Ему нужно срочно поесть, ему нужно подышать воздух. Он больше не может здесь находиться. Гражданки, еще раз буду повторять. Good morning. Документы давай. Ну давай шевелись, сейчас выбей окно к чертовой. Открывай окно, сказал. Шевелись, никуда не поедешь. Окно! А ты ровно. Трен чуди джари ке тери. Сказал, никуда не поедешь. Паспорт. Как дела-то? Все нормально, Саш. Нормально? Thank you. Что там у тебя лежит-то? А? Я говорю, что лежит у тебя на заднем сиденье? Нет, nothing. Че? Вон там вот, что лежит по-другому? Нет, nothing. Вон там, посмотри, что в машине, nothing. Открывай одеяло, блин. Чек, чек. Че лежит, говорю, че ты, че, че? Как говорю, что ты в машине? Ты кто такая? А ну документы ее, живо. What the hell are you doing my car? No English? Ты в моей гаде мекар кэрэйо? Палу франце? Spanish? Oh, those three Spanish. Кто такая лежит? Ну-ка документы ее, вымотывайся из машины. Секунду, секунду, second. Мере бай, домен рук. Miss, school bus, miss. No Russian, no French, no Spanish, no Hindi. I'm screwed. Hey, good. मुझे हिंदी आती है. Индиан? Что ты, барана, из меня делаешь? А ну вылезай нахуй, приехали здесь! Индиан паспорт, please. No паспорт? Что вы из меня, барана-то, делаете? А ну вылезай живо из машины! Вылезай, я сказал! Вылезай, сказал, из машины, твою мать! Вылезай, говорю, нахуй из машины! Вот уроды, понаехали сюда! Кагон на мосту? Да. Атакуй, ой! Конвой на мосту. Можете атаковать. Да. Thank you.
बड़ी बड़ी बंदूकों से मोटी मोटी गोलियां चल रही है। एक हाथी जैसा टैंक मेरी गाड़ी की तरफ आ रहा है। चीख चीख के मैंने अपने टॉन्सिल्स ब्लास्ट कर दिए, लेकिन तुमको कोई फर्क नहीं पड़ा। ड्राइव ड्राइव, अरे गाड़ी चलाओ, अरे गाड़ी चलाओ, तुमसे कह रहा हूं गाड़ी चलाओ। तुम सोच क्या रही थी? मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। क्या? मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। भगवान, मेरे आदि का ख्याल रखना। सर, सारी फोन लाइन्स डेड हैं। अब तो एक ही चारा है, मैं सिक्योरिटी कॉर्डन के साथ अली को ढूंढने बाहर जाता हूँ। नो, जब तक ये पता न चले कि शहर के हालात क्या है और सिचुएशन कैसी है, मैं किसी को भी एम्बेसी से बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। सर, सारे कम्युनिकेशन लाइंस डाउन होने से पहले बीबीसी के आखिरी ब्रॉडकास्ट की टेप मिली है। इसके अलावा ये कहना बहुत मुश्किल है कि आखिर हो क्या रहा है। सर, लाइट क्विकली। राइट सर। मिस्टर नेगी, This is terrible. आतंकवादियों ने तो खुलेआम हमले शुरू कर दिए हैं। अब क्या होगा सर? प्रेसिडेंट कहाँ है? Any news? नहीं सर, हमने सुना कि वो सारे मिनिस्टर्स को किसी महफूज जगह में छुपा रहे हैं और इस वक्त आर्मी आतंकवादियों के खिलाफ कदम उठा रही है। सड़कों पर तो माहौल जंग का है सर। My God. Look, my daddy is safe and all right. ओए स्कूल गर्ल, आगे आइए, कम इन फ्रंट। लगता जरूर होगा लेकिन आपका ड्राइवर नहीं हूं मैं। पता है कि ये कब्रिस्तान है, लेकिन इस कब्रिस्तान की खासियत मालूम क्या है? कि हम यहाँ पे 3 फीट धरती के ऊपर बैठे हैं। यहां से हम जाएंगे तो वापस जरूर आएंगे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि हम 6 फीट नीचे होंगे। ना आप मुझसे कुछ पूछ सकेंगी और ना मैं आपको कोई जवाब दे सकूंगा। अब मैं जरा इनका प्रॉब्लम पता लगाऊं कि इनको क्या समस्या है, ये जो इतना मार धाड़ कर रहे हैं। हमारी ठुल्लू महारानी बुढ़िया गई, जरा प्लीज आप अपने साइड का दरवाजा खोलेंगी? शुक्रिया। नहीं खुल रही भी? एक मिनट रुके रुके, इसके पहले कि आप तोड़ दें मैं ट्राई करता हूँ। वैसे जो लड़की मेरी गाड़ी में बैठी उनका नाम क्या है? मेरा नाम लगी। I'm sorry, लगी तो नहीं। हाँ, क्या कह रही थी आप? मैंने कहा कि हम लकी। जी लकी। तो सुनिए, आप संजीदा है कि आपका नाम लकी है? लकी नेगी। सुन रहे हैं आप, जिनके साथ मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अनलकी दिन गुजारा है उनका नाम लकी नेगी है। हम घर कैसे पहुंचेंगे? जो इंसान आपको घर पहुंचाने वाला है आप उसका नाम नहीं जानना चाहेंगे? ए आदित्य सेकरी, हाथ मिला लें, घबराइएगा नहीं, ये हाथ में जिंदगी भर के लिए नहीं थमने वाला। गुड, अब कुछ काम करें। काम? जी। क्या काम? आपको घर जाना है ना, अब रेडियो ठीक करने के लिए आपकी मम्मी तो यहाँ पे नहीं आने वाली, तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा, तो शुरू करें। चलिए
इस इलाके में करीबन 3,000 हिंदुस्तानी मिस्टर नेगी और इनमें से हर एक की सुरक्षा ये हमारी पहली जिम्मेदारी है मिस्टर सेवक। सर हमने सारे फैमिलीज को यहाँ एम्बेसी में लाना शुरू कर दिया है। गुड। रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं सर? जिन गाड़ियों को तिरंगा लहरा रहा है उन्हें तो किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। चलो बहुत अच्छी बात है, लेट्स होप दैट इट स्टेज लाइक दिस। राइट सर। एक्सक्यूज मी सर, मिसेस नेगी आपसे अर्जेंटली बात करना चाहती हैं। इस वक्त मैं बिजी हूं, उनसे कहो मैं 10 मिनट में उनसे मिलता हूं। ओके सर। लकी, लकी क्या हुआ लकी को? लकी अभी तक स्कूल से घर नहीं लौटी। अंजलि, मिसेस लकी, मिसेस लकी, राइट राइट, नहीं नहीं, लेफ्ट 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 Left, 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 right. नहीं नहीं, left ही right था। हाँ, अब खड़ी रहो यहीं पे। क्या कहा न्यूज पर? खड़ी रहो यहीं पे, बताता हूँ। देखो, लकी जी, ये देखो। हम लोग रशिया में, प्रॉब्लम यह है कि यहाँ की गवर्नमेंट और आतंकवादियों में जंग छिड़ गई है। जंग कहाँ कहाँ छिड़ी है? हम लोग यहाँ है, जंग यहाँ 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 हर जगह छिड़ी है। अदि हाँ बी, मार दो वरना काट लेगी। नहीं चोट लगेगी। अरे मारो ना। आग! तुम्हें कोई अकल है कि नहीं? What is with you? स्कूल की लड़की है, उसे मार दिया। हाँ पता है, ज्यादा हो गया। जा रहा हूं जा रहा हूं जा रहा हूं, अरे जा रहा हूं ना। How sweet. चोट मुझे लगी है और रो आप रही हैं। क्या आप अपने बॉयफ्रेंड से रोते रोते मिली? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अच्छा, झूठ बोल रही हैं आप। अच्छा, अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो आप मुझे बताएं, ये हिचकी आपको किसने दी? हिचकी? हिचकी नहीं, हिक्की, हिक्की, लव बाइट। पता क्या होता है? कमाल है, जब मैं स्कूल में था उस वक्त भी हम लोग लव बाइट को हिक्की कहा करते थे। आजकल पता नहीं तुम लोग क्या कहते हो, लेकिन जो भी कहते हो आई एम श्योर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दी। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, और भगवान करे कि मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड हो भी नहीं। मैंने तो भगवान से सिर्फ चमत्कार मांगा था क्योंकि मुझे एग्जाम्स में फेल नहीं होना था, लेकिन फिर मेरी साइकिल की हवा निकल गई और मैं उस गंदे आदमी से मिली। उसने कहा ठीक कर देगा, लेकिन उसने मेरे बाल खींचे। बाल खींचे? आपने उसे मारा क्यों नहीं? मारा ना। किससे? अपने लंच बॉक्स से। वेरी गुड लकी। अच्छा ये बताओ कि तुम मेरी गाड़ी में घुसी कैसे? आपकी गाड़ी लॉक थी। आपने खोली कैसे? अपने कटर से ट्राई किया था। कटर? तुम अपने साथ कटर लेके घूमती हो? पेपर कटर। उससे मेरी गाड़ी खुल गई? नहीं खुली। फिर कंपास लिया। कंपास से खुल गई? नहीं खुली। समझा। फिर तुमने कंपास और डिवाइडर दोनों मेरी गाड़ी के लॉक में घुसड़ के खोली होगी, है ना? हाँ, पर जब जोर लगाया
तब जाकर खुली। दो मिनट इंतजार कर लेती, मैं ही आपको आके बचा लेता। मेरा कोई बॉयफ्रेंड जी, अगर आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगी तो हम जैसे नॉर्मल इंसान आपकी आवाज सुन सकेंगे। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, मैं ऐसी टाइप की लड़की नहीं हूँ, प्लीज मेरा विश्वास करो। ये लाइन मैंने बहुत बार सुनी है। लेकिन तुम्हारा विश्वास किया, चलो चलें। चले आदि, हम घर जा रहे हैं। घर जाने के लिए वही चेक पोस्ट के रास्ते से जाना पड़ेगा, और अब वहाँ के हालात तो जानते ही हैं। पहले फोन डेड, फिर रेडियो डेड। आपके दादा दादी हैं? नो, दे आर डेड। आप उनसे मिलना चाहेंगे? नहीं ना, तो फिर यहीं पर रुकना पड़ेगा। थैंक यू। किस लिए? मैंने आपको उसे मारते हुए देखा था। अच्छा एक बात बताओ, जिस लंच बॉक्स से आपने उसे मारा वो खाली था या भरा? एक्चुअली आज स्कूल में पहुंची नहीं थी ना। लकी कार ई किएगा इनने से बैग में इतना बड़ा लकी दा ढाबा। इत्थो आई मनु बहुत भूख लगी है। इत्थो आई लकी कार। मुख्य समाचार, सरकारी सूत्रों के अनुसार पता चला है कि गवर्नमेंट और रेबल्स के बीच फिलहाल युद्ध विराम घोषित कर दिया गया। संभावित वातावरण को देखते हुए सेंट्रल सिटी और ऑफलाइन सबर्ब्स में भी अनिश्चित काल का कर्फ्यू लगा दिया गया है। नागरिकों से निवेदन है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकले। वाह, थैंक गॉड मैं ऐसा खाना रोज नहीं खाता, क्योंकि अगर खाता तो आज मैं आदित्य सेकरी नहीं अदनान सामी बन चुका होता। ये खाना तुम्हारी मम्मी ने बनाया ना? पूछो मुझे कैसे पता? कैसे? क्योंकि हर मम्मी का खाना यम्मी होता है। तुम कुछ भी नहीं खा रही? इनको बुरा तो नहीं लगेगा ना? इनको किनको? अरे इनको किनको, यहाँ है कौन? I mean, हम ऐसे खाना फैलाकर कब्र पर बैठे हैं, बुरा लगता है। इनको एक सेकेंड, पीटर 1903, ये बेचारा यहाँ पे 1903 से लेटा है। इसको खुद को भी नहीं पता है कि ये कब ऑफ हुआ। मुझे नहीं लगता कि ये उठकर बैठ जाएगा और कहेगा हेलो आई एम पीटर, और जब मैं जिंदा था ना मेरा फेवरेट इंडियन डिश था आलू के पराठे। लेकिन फिर भी अगर आप इंसिस्ट करती हैं तो मैंने डिनर पे इनवाइट कर लेता हूँ। ओके, हेलो पीटर, मेरा नाम है आदित्य सेकरी और यह लकी नेगी, नाइस टू मीट यू। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ डिनर खाएं। गारंटी इतनी है कि खाना आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आपकी उंगलियां होंगी तो आप उन्हें भी खा जाएंगे, क्योंकि ये खाना आता है लकी के ढाबे से। चिकन हो या आलू, नान हो या ब्रेड, यू वेलकम टू लकीज़ ढाबा इवन इफ यू आर डेड। कमाल है यार, आई एम टू फनी, आई एम टू। क्यों, मेरी जोक पैसी नहीं आ रही? तो फिर मुझे यहाँ पे नहीं बैठना। वैसे भी मुझे प्यास लगी, मैं झील से पानी लेके आता हूँ। ओके? नहीं, मेरे पास पानी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो फिर जल्दी दो ना। एक मिनट। ये पानी नहीं, ये पानी का घूंट है जी। नहीं चाहिए तो वापस दे दो। पी रहा हूँ। लगता है आज रात आपको मेरे साथ गुजारनी पड़ी। पता है ऐसे मौके के लिए लड़कियां कुछ भी करने के लिए तैयार होती हैं। पता है मेरी स्कूल की लड़कियां भी इस मौके के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी स्कूल की लड़कियां अभी तक मेरे बारे में बात करती हैं? वाह दी, नॉट बैड, तेरा जमाना अभी तक नहीं गया। देखो मैं खाते पीते खानदान का हूं, फ्रंट सीट मेरी, बैक सीट आपकी। ओके? और ये आपके लिए कंबल।
क्या हुआ लकी नेगी? कंबल के नीचे सुरसुर क्यों कर रही हैं आप? मैंने पहले घर के बाहर रात नहीं गुजारी, डर लग रहा है। अगर आपको डर इस बात से लग रहा है कि आप ये रात मेरे साथ गुजार रही हैं, तो बिल्कुल ही ना डरें, क्योंकि मैं उस टाइप का नौजवान हूं ही नहीं। यकीन करें आप मेरा। आदि किया। शुक्रिया मिस लकी नेगी। सो जाएं। भर लो बाजुओं में तुमको है कसम, जान मेरी जा रही सनम, जान मेरी जा रही सनम। आके भर लो बाजुओं में तुमको है कसम, जान जा रही सनम, ओ जान मेरी जा रही सनम। आके भर लो बाजुओं में तुमको है कसम, जान मेरी जा रही सनम, जान
मुझे छोड़कर क्या पीटर के साथ भागने का इरादा है? देखो लकी, प्लीज ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। अब पीटर के सपने देखना बंद करो, बहुत रात हो चुकी है, आके सो जाओ लकी नेगी जी। लेकिन सर ये आदमी है कौन? बस अभी आता ही होगा, खुद ही मिल लेना। आदि और लकी को कोई ढूंढ सकता है तो बस ये एक ही आदमी है। नमस्ते। नमस्कार। लकी का कुछ पता चला? अंजलि देखो, हेलो हाय हाउ आर यू जैसी फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लड़की के पिता हैं। जी हाँ, पर आप कैसे पता? चेहरे पर परेशानी और आपकी आंखों के आसपास जो दो सूखे हुए आंसू हैं उससे पता चलता है कि आप कौन हैं। ये रुमाल लीजिए, परेशानी और आंसू दोनों पोंछ लीजिए। किसी महान आदमी ने कहा है ये आंसू सलाइन वाटर है। पुष्पा इसे पोंछ दो। वाह सर। नहीं मिस्टर नेगी, मैं पागल नहीं हूं। और ये बात आप एम्बेसडर साहब से मेरे सामने पूछ सकते हैं। ये मेरा हाथ है जिनमें चार उंगलियां और एक अंगूठा है। किडनैपिंग, रॉबरी, ब्राइबरी, रेप एंड मर्डर। मैंने इंटेलिजेंस सर्विसेज में 17 साल गुजारे हैं, उनमें मेरा सामना इन सबसे हो चुका है। अब अगर अपना यह हाथ मैं बंद कर दूं तो ना ही कोई उंगली चोरी कर सकती है, ना ब्राइबरी, किडनैपिंग, रेप, ना मर्डर। पिंडी दास कपूर की जिंदगी में यह हाथ ना कभी खुला है और ना कोई खोल सका है। सर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटी। ये तस्वीरें आदित्य और लकी की, ये दोनों अब तक लापता हैं और हमें डर है कि वो कहीं डर किस बात का? जब तक आदमी लापता है तब तक जिंदा है। और अगर आपको यह सुनकर आपकी चिंता जरा सी दूर हो जाए तो आपको बता दूं कि आपकी बेटी की साइकिल का पता चल गया है, स्कूल के पास के जंगल में मिली। और लकी का कुछ पता चला? उसे कहा है। किसी महान आदमी ने कहा है मुझे एक बच्ची को उसकी मां से मिलाने से दुनिया की कोई सरहद कोई ताकत नहीं रोक सकती। यहां यश वैदिक लुदे последняя информация. Мы их видели на КПУ Черной речки, атакованы повстанцами.
लकी जी एक बात बताओ मुझे, क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि यहाँ पे जंग छिड़ने वाली है जो फुल तैयारी में आई हो? कहीं तुम केजीबी एजेंट तो नहीं? मैं सुनैना के यहाँ रहने वाली थी ना, इसलिए कपड़े साथ में लिए थे। सुनैना? कौन सुनैना? हाँ हाँ सुनैना। कैसी है सुनैना? बहुत अरसा हुआ उससे मिले हुए। हम लोग बचपन में लंगड़ी खेला करते थे। आदि। हाँ। मुझे भूख लगी है। कल रात को कहा था कि खा लो, लेकिन तुमको तो भूतों की फिक्र थी। अरे वाह। हाय, I'm Aditya Sekri. और आप? मैं लकी नेगी। लकी नेगी, कमाल है। कल रात को भी मैं एक लकी नेगी से मिला था, लेकिन वो आपकी तरह बिल्कुल नहीं थी। क्या आप उन्हें जानती हैं? जानती थी। जैसे आप उन्हें इतनी जल्दी भूल गईं, क्या आप मुझे भी भूल जाएंगी? हेलो, ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मजाक कर रहा था। मैं तुम्हारे लिए खाने पीने का इंतजाम करके आता हूँ। पता है ये किस लिए? पेड़ से सेब तोड़ने के लिए। मैं भी साथ चलूंगी। जी नहीं, आप यहीं बैठकर ठुल्लो महारानी का ख्याल रखेंगी। यहाँ पे कौन आएगा? कोई भी आ सकता है। कौन? एक सेकंड, कोई भी। चलो उस तरफ देखो। क्यों? अरे उस तरफ देखो ना। अरे मुझे शर्म आ रही है, मुझे मेरा अंडरवेयर लेना है। अरे आजकल की स्कूल की लड़कियां। हाँ ठीक है, और गाड़ी साफ भी कर देना। आदि, पर मैं तुम्हें ढूंढूंगी कैसे? हाँ ये पॉइंट है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये पकड़ो। ओके, अब जब भी मुझे ढूंढना है इसको फॉलो करते हुए आ जाना, समझी? अरे थोड़ा ढील तो दो। तुम्हें अपनी इस गाड़ी की इतनी फिक्र क्यों है? मुझे बार बार स्कूल गर्ल कहते हो और खुद स्कूल बॉय की तरह इसके लिए रोते रहते हो। ये गाड़ी तो है। शट अप। ये ठुल्लो महारानी क्या है? महाराजाओं में सबसे बड़ी रानी को कहते हैं ठुल्लो महारानी, तो गाड़ियों में हुई ये मेरी ठुल्लो महारानी। मैं इनकी गोद में पैदा हुआ हूँ, इनकी गोद में खेला हूँ, इन्होंने मुझे बहुत घुमाया है। मेरी वजह से इनको बहुत बार चोट लगी, लेकिन इन्होंने मुझे कभी चोट लगने दी नहीं। तो ये हुई मेरी दाई माँ। मैं बिलोंग करता हूँ राजा महाराजाओं की। आदि, सुनाई दिया? Yes. सर आपसे मिलने जनरल एनाथोली मैक्सिमोविच कॉर्की आए हैं। मैंने उनसे कहा कि वो बाहर बैठे हैं, पर वो इंतजार नहीं कर सकते। Send him in. Right, sir. का क्या मांगू पाम और गैस पता? हेल्प आप मेरी नहीं बल्कि मैं आपके करने आया हूं। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ कौन? पीरी, हा हा, मैं आदि और लकी की खबर लेके आया हूँ। ओह ग्रेट,
कल जिस एक्सप्लोजिव फैक्ट्री को उड़ाया गया उसी के पास एक चेक पोस्ट पर पुलिसमैन ने आदि को रोका। जब जंग छिड़ी तो आदि वहां से भाग निकला। तभी से लेके अभी तक ना उसकी ना गाड़ी की कोई खबर है। बट नो न्यूज इज ऑलवेज गुड न्यूज। और एक गुड न्यूज है, लकी भी उसी के साथ है। अमेजिंग, कहाँ है वो? आप ही के बेटे के साथ है। इम्पॉसिबल, उसके साथ क्यों है? ये तो मैं भी जानना चाहता हूं कि वो उसके साथ क्यों है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि दोनों साथ साथ हैं। चलो अच्छी बात है कि वो अकेली नहीं है और आदि तो रशियन जानता है। मैं नेगी को ये खबर करके आता हूं। मैंने कहा था ना तुमसे, उन्हें कोई ढूंढ सकता है तो सिर्फ पीडी। सर वो लकी की फिक्र में पीडी साहब की काबिलियत पर शक करने की गलती कर दी मैंने। तुम्हारी जगह और कोई होता तो उसके अजीब अंदाज से वो भी चौंक जाता है। जी अरे ये कहां गया पीडी? किसी के पास स्क्रू ड्राइवर है। पीडी यूरी लेमंस्की, टेलीफोन ऑपरेटर एट योर सर्विस। लेकिन तुमने इतने कम वक्त में ये भेस कैसे बदला? बाद में फुर्सत में बताऊंगा, अभी मुझे टेलीफोन एक्सचेंज जाना है। वो क्यों? अगर अदी के पास उसका मोबाइल फोन है तो उससे बात करके ये पता लगाने कि वो दोनों कहाँ हैं। वह सारी फोन लाइंस डेड हैं सर। लेकिन कौन कहता है कि 5 मिनट के लिए उन्हें जिंदा नहीं किया जा सकता। किसी महान आदमी ने कहा है कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। आदि इधर इधर इधर। वहां पर कैसे पहुंचे? पीटर छोड़ के गया है मुझे। भूख लगी है? वेजिटेरियन हो तो ये खाओगी और नॉन वेजिटेरियन हो तो फोन 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 बजा, मेरा फोन बजा। आदित्य सेक्री। हेलो आदित्य सेक्री हियर। आदि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त है, इसलिए सवाल मत करो, सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दो। ओके? हाँ। तुम्हारे पिताजी एम्बेसडर साहब ने तुम्हें ढूंढने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। Good. अब बताओ आर यू ओके? या। आर यू हर्ट? नो। गुड। लकी कैसी है? लेकिन आपको कैसे पता चला? मैंने कहा ना सवाल मत करो। ओके। लकी कैसी है? ठीक है। अब बताओ तुम लोग इस वक्त कहाँ हो? वो लिंडुला स्काय का जो ग्रेवयार्ड है ना, वहां पे हम लोग। दैट्स सेफ, मैं आ रहा हूं। ठीक है, तुम लोग वहां से मत हिलना। ओके। मैं 1 घंटे के अंदर वहां पहुंच जाऊंगा। ओके? ठीक है।
घर चले। वो क्या है ना कि हम लोग दोनों यहां दिन भर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बैठे रह सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही छोटी सी प्रॉब्लम है, ये मछलियां अपने आप तो फ्राई नहीं होने की। तो अगर आपको कोई एतराज नहीं हो तो लड़कियों की तरह लकड़ियों का इंतजाम करेंगी आप प्लीज? आग जलानी है? जी हाँ, पीटर को मैंने भेजा है सिटी माइक्रोवेव लाने के लिए, लेकिन जब तक माइक्रोवेव यहाँ पे नहीं आता तब तक हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा ना। लाइटर गाड़ी में, जल्दी जाओ और पानी लेती जाना, वहां पड़ा है तुम्हारे राइट में। आएगा आएगा आएगा, आने वाला आएगा आएगा। Спасибо, хорошо, пожалуйста. सॉरी सुनैना, मुझे आदि बहुत पसंद है। सुनैना, मुझे तुम्हारी दोस्त अच्छी लगने लगी। मुझे लगता है कि मैं भी उसे अच्छी लगती हूँ, लेकिन है थोड़ी सी छोटी। सॉरी, गलती मेरी, पानी में जहर मिला था लकी। नहीं आंटी, नहीं, ए लकी, डॉक्टर।
प्लीज हेल्प बट यू लूज द डॉक्टर। तुम अकीत से नूशन डॉक्टर से ये वादा किया है कि मैं उसे उसके घर से ही सलामत पहुंचाऊंगा, तुम्हारे घर नहीं। मदद मदद चाहिए? हिंदुस्तानी हो? आधा। डॉक्टर चाहिए? हाँ। क्या हुआ इसे? इसने यहाँ का पानी पिया है। उन सब ने भी पिया है। पता है, इसलिए डॉक्टर के पास जल्दी चलना चाहिए ना। तुम्हारे पास देने के लिए क्या है? जी कम है मेरा सेलफोन, मेरे पास यही है। और ये चेन? मेरी नहीं, अगर मेरी होती तो मैं तुम्हें जरूर दे देता। तुम्हारी है? हाँ, मेरी है। सोच लो, कारी या लड़की। महारानी साहिबा, आप जाएं इनके साथ, मैं आपको वापस ले आऊंगा। लेकिन अगर ये चली गई तो मैं इन्हें वापस नहीं ला पाऊंगा। माफ करते हैं अब हमें। Кто это? Мне надо сучиться с сорвачом. Она мурайте. Пожалуйста. Пожалуйста. Хорошо. Пожалуйста. Быстро. Папа! Папа, это очень срочно! Пожави его в большом жале. Тум мере бете ко кэсе жанте хо? Бета? हाँ, जो तुम्हें यहाँ लेकर आया था वो मेरा बेटा है। हिंदुस्तानी हो? जी। मैं भी हिंदुस्तानी। थैंक गॉड फॉर दैट। दोज तमाशेन। दोज प्रिगेटोव ईयो। दा कनेक्शन पाप। मैंने इतना दा उद्दित याद। और बहुत प्यार करते हो उससे? थोड़ा पानी देना तो। ये जंग पता नहीं कितने बेगुनाहों की जान की दुश्मन बनेगी। बस
Могу ли я забрать вашу одежду? Я Джапья. Спасибо. Пожалуйста. Тихо, Джакина. दवा तो दे दी है, आप दुआ करो कि साए तो बस यही थम गए हैं, याद मुझे आए तेरी बातें, पलकों की सुर्ख चादर पे अश्क भी जम गए हैं, तेरी आंखों से ना हटती आंखें, बेबसी का है आलम, क्या करूं मैं बता, धड़कने है दीवानी, दिल भी कुछ कह रहा है, सुन जरा सोनिए, सुन जरा सोनिए, सुन जरा, आज खामोशियों से आ रही है सदा, धड़कने है दीवानी, दिल भी कुछ कह रहा है, सुन जरा सोनिए, सुन जरा चूम के अपने होठों से तेरे गम को चुरा लूं, लाके तुझे दे दूं खुशियां सारी, अपनी हर बेकरारी को सीने में ही छुपा लूं, मेरी चाहते जाए तुझ पे वारी, सहम सहम लबों में घुल गई है दुआ, धड़कने है दीवानी, दिल भी कुछ कह रहा है, सुन जरा सोनिए, सुन जरा सोनिए, सुन जरा सोनिए, सुन जरा घर पहुंच गए।
आओ संभल कर आ जाओ। ये क्या हुआ? हम लोग एम्बेसी की ओर आ रहे थे, किसी ने हम पर हमला कर दिया। पेशेंट को मेडिकल रूम में लाइए। दिस इज रिडिकुलस। अब तो इंडियंस पर भी हमले हो रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैम, मिस्टर नेगी आपको बुला रहे हैं। वो एम्बेसडर साहब के कैबिन में आपके इंतजार कर रहे हैं। धारा, तुम यही रुकना, मैं अभी आती हूँ। Что это? Солдаты бегут по всем улицам. Я хочу, чтобы спрятали себя. Моя комната. Иди, я не хочу. Чтобы быстрее сказал. Я тут, чело, 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 никло. कैसी बातें कर रहे हैं? अरे पुलिस घर घर जाकर आतंकवादी को तलाश कर रही है। आपको पता है कि लकी कितनी सीरियस है? उसे मैं यहाँ से ले जाऊँ तो मर जाएगी वो। अरे अगर तुम मेरे घर पकड़े गए तो मैं फंस जाऊंगा। पुलिस घर घर जाकर एक एक आतंकवादी को तलाश कर रही है। लेकिन आतंकवादी को तलाश कर रही है, हम लोग आतंकवादी थोड़ी ना है। मैं तो इंडियन एम्बेसडर का बेटा हूँ। तुम कैसे साबित करोगे कि तुम इंडियन एम्बेसडर के बेटे हो? एक टेलीफोन कॉल एम्बेसी में। टेलीफोन कॉल? सब टेलीफोन लाइन काट दी गई है, बात करते हो। डॉक्टर साहब। क्या डॉक्टर साहब, तुम्हारे पास कोई पासपोर्ट है जो साबित करे कि तुम कौन हो? घसीट के ले जाएंगे तुमको और ले जाकर सीधा किसी काल कोठरी के अंदर फेंक देंगे। और जब तक ये जंग खत्म नहीं हो जाती, तुम दोनों अंदर सड़ते रहोगे। फिर उसको 5 साल लगे, 10 साल लगे या 20 साल लगे, ये लो और जाओ यहां से। ठीक है, मैं यहां से चला जाता हूं। लेकिन आपका मुझ पर बड़ा एहसान होगा कि अगर आप लकी को यहां पर रहने दें। बाहर बहुत ठंड है डॉक्टर साहब, बच नहीं पाएगी। और मैंने उससे वादा किया कि मैं उसे घर सही सलामत पहुंचाऊंगा। प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब। आप चाहते क्या मुझसे? कि मैं आपके आगे भीख मांगू, आपके पैर पड़ू, आपके सामने हाथ छोड़ू? मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं। प्लीज, कुछ दिनों की बात है। मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। मैंने कह दिया ना, जाओ यहां से। तो हिंदुस्तानी पिक्चरों के पोस्टर दीवार पर टंगाने से कोई हिंदुस्तानी नहीं बनता। डॉक्टर साहब, हिंदुस्तानी वो होता है जो अपना घर जलाकर दूसरों को तपिशता है। शुक्रिया। क्या हुआ तुम्हें? पार्टी वार्टी में जा रहे हैं हम लोग। अब रो रही हो, घर जाके बोलोगी कि सिर्फ रुलाया है। क्यों रो रही हो? मैं रो रहा हूं क्या? मैं हूं ना। मुझे माफ कर देना बेटा, मेरी बेटी भी तुम्हारी उम्र की है। अगर उसकी सलामती का ख्याल ना होता तो मैं तुम दोनों को ऐसे यहां से कभी नहीं जाने देता। क्या करूं, आज एक हिंदुस्तानी एक बाप के सामने हार गया। पर मेरी दुआ है कि तुम दोनों जहां भी रहो सुरक्षित रहो, सलामत रहो। 1, 2, 3,
अजली ना पेशाब। Посмотри, какая река. Оставить шуточки. Искать. Оставить смех. Уходим. अभी अभी मैंने अपने देश के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ टेलीफोन पर बात की और हम दोनों इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आप लोगों को जल्द से जल्द यहां से वापस इंडिया इवैक्यूएट किया जाए। क्योंकि यहां के हालात हद से ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। अगले 12 घंटों में इस वक्त एम्बेसी में जितने परिवार मौजूद हैं उन सबको स्पेशल सिक्योरिटी कॉन्वॉयज में सुरक्षित यहां से एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा। हमने बहुत ही मुश्किल से एक एयरक्राफ्ट का इंतजाम किया है और यही एयरक्राफ्ट आपको यहां से न्यू दिल्ली लेकर जाएगा। सर, इस तरह से सबको छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? जिस कारोबार को खड़ा करने में 12 साल लगे हो उसे 12 घंटों में छोड़कर चला जाऊं? सर, मेरी जिंदगी की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सर अग्रवाल साहब, अगर जिंदगी रही तो मेहनत भी दोबारा कर सकोगे, लेकिन अगर यहाँ रुके तो शायद जिंदगी ही ना बचे मिस्टर अग्रवाल। लेकिन हालात सुधर जाने के बाद क्या हमें दोबारा यहाँ रीस्टैब्लिश किया जाएगा? वापस आ भी गए तो क्या सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा? इससे बेहतर यही होगा कि हम इस मुल्क को भूल जाएं। अरे बाप रे, ऐसे जगहों पर भूत रहते हैं। डरा दिया। यहाँ पे हर चीज इतनी बड़ी बड़ी क्यों? रात बिताने के लिए इससे बुरी जगह कोई नहीं। तुम्हें क्या लगता है लकी? 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 ओह माय गॉड, हाइपोथर्मिया, सो गई तो गई। लकी, उठो उठो, आंखें खोलो। गुड, सोने दो ना। लकी, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें मालूम है? पता है, हाइपोथर्मिया है, नहीं सोना चाहिए। देखो, अगर आज तुम सो गई तो मैं जिंदगी भर नहीं सो पाऊंगा। उठो।
कब से मिले हो, या तो स्कूल कर कहते हो या डांटते रहते हो। लड़कियों से प्यार से कैसे बातें करते हैं ये तुम्हें आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता, बहुत अच्छी तरह से आता है मुझे। कैसे क्या कहते हो? हेलो, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद माय फॉल्ट, आई एम सॉरी। बस नहीं और है ना। बाय बाय कहता। बाय जी। क्यों? ओके बाय। अरे मुझे हाइपोथर्मिया है, मैं सो रही हूँ। ओह शिट। चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे सपनों की सुनी सुनी दुनिया बसा जा। चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे सपनों की सुनी सुनी दुनिया बसा जा। चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे सपनों की सुनी सुनी दुनिया बसा जा। चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे सपनों की सुनी सुनी दुनिया बसा जा। चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे सपनों की सुनी दुनिया बसा जा। तो जोड़ दे कोई रिश्ता तो जोड़ दे। ऐसे तो अदा भी मेरा दीवाना दिल धड़के को कसम मेरी हाथ छुड़ा के अब ना जा। धीरे धीरे सपनों की सुनी सुनी दुनिया बसा जा। चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे सपनों की सुनी दुनिया बसा जा। है किसी दूजी से दिल लगाऊं, ऐसा कर तो खाके ये जहर में मर जाऊं। राजकुमारी का बनूंगा मैं तो सपनों का राजा, तेरे जैसी लाखों मेरे आगे पीछे होंगी तू जा जा। आके मुझे तू घर वाला लगा रे, ना बाबा ना रे।
सारी सोई सोनी दुनिया बस आ जा। सोचा नहीं था ऐसे मिलेगी एक दूसरे से राहें हमारी। सोचा नहीं था ऐसे मिलेगी एक दूसरे से राहें हमारी। चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा। धीरे धीरे सपनों की सुनी सुनी दुनिया बसा जा। चोरी चोरी चुपके से आके आंखों में समा जा। धीरे धीरे सपनों की सुनी सुनी दुनिया बसा जा। आदि मैं नहीं सो पा रही हूँ, कुछ चुभ रहा है। सो गए। चिल्लाना मत, ये लोग बुरा मान जाएंगे। Hands up, or I'll shoot you. Hands up. जीजू छोटा मामू मोटा मामू गया दिल्ली, दिल्ली से लाया चार कटोरी, एक कटोरी फूट गई, मामू की टांगे टूट गई। अब ऐसा कितना बड़ा हो गया। देख के लगता है दो दिनों से कुछ खाया पिया नहीं। आई एम पीडी, घर चले। लेकिन ये रशियन आर्मी की यूनिफॉर्म्स क्यों? अब से 15 घंटों में यहाँ के एयरपोर्ट से आखिरी प्लेन टेक ऑफ करेगा। ऑर्डर आया है यहाँ रहने वाले सारे इंडियंस को दिल्ली भेजा जाए। मेरा दोस्त रशियन आर्मी में ऑफिसर है, उसकी बैटालियन थोड़ी देर में यहाँ से रवाना हो रही है। ये यूनिफॉर्म में हम भी बैटालियन का हिस्सा लगेंगे। और एयरपोर्ट पहुंचने का सबसे सेफ तरीका यही है। और पापा वो भी छोड़ कर जा रहे हैं। तुम्हें छोड़कर तब जाएंगे जब तुम वक्त पर एयरपोर्ट नहीं पहुंचोगी। और पिंडीदास कपूर के होते हुए तुम्हारे एयरपोर्ट ना पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भगवान बार बार चमत्कार थोड़ी देते हैं। बेटा, किसी महान आदमी ने कहा है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। देखो तो सही, बेबी सरदार जी लग रही हैं आप। तो ठीक है, इसे लकी से लखन सिंह बना देता हूं। अब आप पंजाब द पुत्र लग रही हैं। ये हुई ना बात। अरे Let's go, comrade. Shall we? यहाँ से 2 मील दूर उत्तर की दिशा में रेलवे स्टेशन है, वहीं से हमें ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। रास्ता थोड़ा खतरनाक है, आगे बर्फीला समंदर, लेकिन हम अगर इस बैटालियन के साथ रहे
तो कोई खतरा नहीं। तुम लोग चुपचाप लेफ्ट राइट करते रहो, मैं आगे जाकर देखता हूँ। चिंटू सार्जेंट, हेलमेट कितना भी ऊपर कर लो, इस मेटल में सबसे चिंटू ही रहोगी। भूख लगी है? ये क्या है? मीट। मैं नहीं खा सकती। क्यों? पाप लगेगा। क्यों? वेजी हूँ ना। खा लो, वरना हम ना वेजी रहेंगे ना जिंदा रहेंगे।
ये उस लकी मेरे पीछा
जाके सोनों में जल के रोके मिल के रहेंगे दीवाने ओ चाहत की लात आंधी में भी झिलमिलाए शायद यही
ये मुलाकात ये तेरी आंखें बातें एक पल न मैं भूल पाऊं कितनी मोहब्बत है कितनी चाहत तुमसे अच्छा लगे जो तू सामने मुस्कुराए शायद यही तो प्यार है नहीं सर अपनी बेटी के बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा नेगी मेरा बेटा भी तो तुम्हारी बेटी के साथ है वो भी मिसिंग है तुम क्या समझते हो मुझे कोई भी फिक्र नहीं है लेकिन अब हम इस सच से कब तक भागते रहेंगे कि बाहर उन रास्तों पर उनका बचना बहुत मुश्किल है सर मेरे लिए मेरी बेटी तब तक जिंदा है जब तक मुझे उसकी लाश नहीं मिल जाती आपको जाना है तो जाइए मैं यही रहूंगा नेगी तुम यहां नहीं रुक सकते क्योंकि तुम्हें यहां इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा है और उसी गवर्नमेंट का यह फैसला है कि सारे के सारे हिंदुस्तानियों को वापस इंडिया भेजा जाए और इस फैसले पर अमल करना यह हमारी जिम्मेदारी है हमारा फर्ज है तो सर मैं इसी वक्त अपना इस्तीफा देता हूं जरा भाभी जी और धारा के बारे में सोचो उनकी तरफ हमारा कोई भी फर्ज नहीं बनता है अगर यहां रुकोगे तो मारे जाओगे तुम क्या यही चाहते हो कि भाभी जी विधवा हो जाए और वो छोटी बच्ची धारा वो एक ही पल में अपनी बहन के साथ साथ अपने बाप का भी साया गंवा दे मैं तुमसे वादा करता हूं कि हमारे जाने के बाद भी हम लकी की तलाश जारी रखेंगे सर, अगर मेरी बच्ची मुझे कभी नहीं मिली ना तो भगवान मुझे पास नहीं होना है लकी दी जहां पर भी हो उन्हें इसका सारा लक पहुंचा दीजिए Honey.
अब मत कहना जिंदगी भर के लिए हाथ नहीं थामने वाले। ये क्यों करती है? किसी महान आदमी ने कहा है तुम्हें आम खाने से मतलब है या गुठलियां गिनने से? अरे फायदा भाई क्या? बस हमारा सब यहीं तक था। किसी महान आदमी ने कहा है बिछड़ना नहीं आसान, इसलिए गुड बाय ना तुम कहना। जाना तो है हमसे दूर से ही, पर है तो इसी दिल में रहना। ये किस महान आदमी ने कहा? मैंने हमारी रानी को तुम प्लेन से लेके जाओ, तुम्हारी इस महारानी को मैं शिप से भेज दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक्स पीरी, लव यू। चलो घर चले। लेकिन मेरे नहीं, आपके। जा
अपनों